पीसीएस अफसर ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या के बीच चल रहा विवाद अब एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो हर किसी की जुबान पर है। सोशल मीडिया पर भी इसकी जमकर चर्चा हो रही है। पति से बेवफाई करने के मामले में एसडीएम ज्योति मौर्या का नाम लोगों की जुबान पर है। ज्योति मौर्या पर उनके पति आलोक मौर्या का आरोप है कि उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया है। साथ ही वो कहते हैं कि उच्च पद पर जाने के बाद ज्योति ने रिश्ते से किनारा कर लिया और उनके किसी दूसरे अधिकारी के साथ अफेयर की बात भी कही। इस पूरे कांड के बाद बाकी पत्नियों के लिए दिक्कत खड़ी हो गई है। उनके पतियों को लगने लगा है कि ज्योति जैसा काम उनकी पत्नी भी उनके साथ कर देंगी। इसे लेकर देश के कई इलाकों से खबर आ रही है कि जो पत्नियां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रही हैं उनके पति उन्हें वापस बुला रहे हैं। ऐसा एक मामला बिहार से सामने आया जहां पर पिंटू नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी की कोचिंग छुड़वा कर उन्हें वापस बुला लिया। पिंटू की पत्नी कहती है कि मैं ज्योति मौर्या नहीं बनूंगी, हर महिला उनकी तरह कैसे हो सकती है, मैं धोखा नहीं दूंगी, मुझे मेरी आगे की पढ़ाई करनी दी जाए। अब जब इतना कुछ हो रहा है तो ज्योति मौर्या कैसे चुप रह सकती हैं? उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी मामला है, मैं इसे पब्लिक में या सोशल मीडिया पर लेकर नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने कानूनी तरीके से तलाक की अर्जी दी है, फिलहाल मामला कोर्ट के अधीन है। रही बात देश की महिलाओं की, तो मैं जिस पोस्ट पर हूँ उससे जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है मैं हमेशा महिलाओं के लिए बोलती हूँ और उनके लिए काम भी करती हूँ। वहीं ज्योति के पिता तो इस शादी को ही झूठी ठहरा चुके हैं। मीडिया में दिए बयान में पारसनाथ मौर्या ने कहा कि आलोक ने झूठ बोलकर उनकी बेटी से शादी की थी। ज्योति के पिता ने शादी का कार्ड दिखाते हुए कहा कि आलोक ने खुद को पंचायत अधिकारी बताया था। ज्योति के पिता ने आलोक और उसके परिवार पर धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि आलोक मौर्या ने बताया था कि 2019 में उनकी और ज्योति की शादी हुई थी। 2015 में जुड़वा बेटियाँ पैदा हुई। इसी साल ज्योति का पीसीएस परीक्षा में सिलेक्शन हुआ। 2020 तक सब सही चल रहा था। इस साल ज्योति गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में आईं। दोनों मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे हैं। ज्योति मौर्या इस समय बरेली के शुगर मिल में जीएम पद पर तैनात हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।